ऑल सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट और लोअर स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से एक तकरीफ मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी जनाब डीईओ कमल कुमार ने तकरीब से खिताब किया। इनके अलावा असिस्टेंट अली नवाज, सिंध के सदर वजीर अली, डिप्टी डीईओ मोहतरमा पारिस, डॉक्टर किशोर और जनरल सेक्रेटरी जुबैर रहवान ने तकरीब से खिताब किया। तकरीब का मकसद लोअर स्टाफ के लिए टाइम स्किल प्रमोशन अपग्रेडेशन और दीगर मसाइल जेर बहस रहे। डीईओ साहब ने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि लोअर स्टाफ के तमाम जायज मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ मैं नूर, पलक न्यूज, कराची। अपनी जिम्मेदारी आराम से करें, सुबह से लेके दोपहर तक जो भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट जॉब है, वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, क्योंकि हमको अपनी तनख्वाह जो शरण बेहलाल करके खानी चाहिए। तो आप जिस जिम्मेदारी पे आए हैं, कुछ दोस्त आगे आए हैं, कुछ सदर बने हैं, कुछ जनरल सेक्रेटरी, तो उनके अपने दोस्तों के हकूक़ के लिए मैं हर वक्त उनके साथ हूँ। इंशाल्लाह उनके कोई भी जायज़ मसले होंगे मैं उनकी उसी टाइम ही हल कर दूँगा। हम दोस्तों के साथ शाना बशाना साथ हैं और हम उनके हकूक़ के लिए बिल्कुल हक की आवाज़ की तरफ उठाने के लिए तैयार हैं और उनके जायज़ हकूक़ जो हैं उनको मिलने चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म है, इनका बिल्कुल बुनियादी हकूक़ है, उनको मिलना चाहिए। और इनका सालाना बजट में जैसे अमाउंट रिलीज़ किया जाता है, तो कंसर्न हम डीडीओ से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके जो अमाउंट है, उनके जो अकाउंट में आती है लिवरीज के, यूनिफॉर्म लिवरीज में, उनको यानी कि पे किया जाए तो आपकी नवाज़िश होगी। के चौकीदार के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की तरफ से कि चौकीदार को बायोमेट्रिक से वेव किया जाए और उनको नाइट ड्यूटी होने की वजह से और उनके एचएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की जाती है कि उनको वो बिल्कुल बायोमेट्रिक के सामने उनको बिल्कुल डिक्लेयर करे कि यानी कि ये नाइट ड्यूटी का चौकीदार है और नाइट ड्यूटी करने की वजह से ये प्रेजेंट रहता है अपनी नाइट की ड्यूटी में। मुझे खुशी हुई इन लोअर स्टाफ की तकरीब देखकर और बहुत अच्छा हुआ कि लोअर स्टाफ के भी हकूक़ जो होते हैं उनको मिलने चाहिए, क्यों इनका राइट है, जो राइट बनता है उसकी वजह से इनका हकूक़ है। और इंशाल्लाह हम इनके हकूक़ पे बिल्कुल तवज्जो देंगे और जो हो सका मुमकिन कोशिश बिल्कुल भरपूर करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि लोअर स्टाफ एसोसिएशन ने अपना जो है ना ग्रुप बनाया, अपना प्लेटफॉर्म बनाया, जो है ना आपको पता है कि इस मुल्क में जो है ना हक जो है ना जब तक आप मुत्तहद नहीं होंगे आपका हक आपको नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग मुत्तहद हैं, आपके जो जायज मसाइल होंगे इंशाल्लाह ताला वो आपको मिलेगा, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी मेहनत रायगा नहीं करेगा, इनको हर तरह की सहूलियात हमारी तरफ से, इनको टाइम स्केल का मसला हो, यूनिफॉर्म का मसला हो या कोई भी और मसाइल हो, इनके माशाल्लाह सब हल कर दिए जाएंगे और इनको कभी शिकायत का मौका पहले भी नहीं देते थे, अब भी नहीं होगा, इनके साथ मुकम्मल तआवुन होगा। डीओ साहब ने और जितने भी हमारे आफिसर साहबान यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आपकी बायोमेट्रिक के हवाले से कोई तनख्वाह बंद नहीं होगी। और दूसरी यकीन दहानी ये भी कराइए जो साहब वालों के हाथ में है कि यूनिफॉर्म हम 1 से 4 ग्रेड वालों को यूनिफॉर्म भी दिलाएंगे और इंशाल्लाह ताला जो आ रहा है वो देंगे और बाकी जो है ना हम कोशिश करेंगे तो हर बंदे को 5,000 यूनिफॉर्म फी बंदे को मिलना चाहिए। टाइम स्केल हमारा इंशाल्लाह ताला के मुर्तजा वहाब के सीएम साहब ने बोल दिया है कि आप जो है ना इनको टाइम स्केल कैबिनेट में रखवा के और हमें बताओ कि ये टाइम स्केल इनका हो जाए। वो कमेटी बनी, उन्होंने सब ने सहन कर दी है, अल्लाह की मेहरबानी है। और हमारे लोअर स्टाफ जो है वो इंशाल्लाह ताला किसी जो है ना अपना हक जो है वो किसी मोड़ में अपना हक छोड़ेंगे नहीं, अपना हक लेने नहीं जो देगा उससे छीन के ले सकते हैं। जी लोअर स्टाफ सदा जी।